बोर्ड दिख रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ में मांगा है। कितना पैसा मांगा है? तो भाई ₹50 एक साथ में मांगा है, तो हमने एंट्री कर दी। ठीक है, एंट्री कर दी, कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी? तो ₹5 लाख से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आइए सेकेंड एंट्री क्या होगी। सेकेंड एंट्री होगी भाई, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया ट्रांसफर हो जाएगा? ₹5 लाख ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थर्ड एंट्री। अब क्या हो गया, अलॉटमेंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा हो गया आपका ट्रांसफर। अब एंट्री कीजिए फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 × कितना रुपया मांगा? ₹25 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 × 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ₹2,50,000 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? ₹2,50,000 हो जाएगा। आइए, बोलता है मेंबर होल्डिंग 400 शेयर्स डिडंट पे द सेकंड कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का तो पैसा मिल गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,50,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ₹2,50,000। ये तो पैसा पूरा मिल गया। आइए फिफ्थ नंबर एंट्री, शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कह सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये भी ₹2,50,000 से ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, ₹2,50,000 से ही होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2,50,000। और फिर यहां एंट्री होगी सिक्स्थ नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9,600 × 25। ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट 400 × 25 एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2,50,000। यहाँ एंट्री हो जाएगी 25×100 और फिर 2 0 10,000, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी 2,40,000। ये आपकी इश्यूज़ की इशू की एंट्रीज मैंने कर दी है, इशू तक की एंट्री मैंने यहाँ आपकी कर दी है। आप एक बार कंफर्टेबल हो जाइए कि आपको समझ आ गया कि नहीं समझ में आ गया। द इशू एंट्री हैज बीन डन ओवर हेयर। देख लीजिए भाई, ठीक है, हाँ ना, जो भी है आप मेरे को बोल दीजिए कि यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें आगे काम करना है, फॉरफीचर करना है। ठीक है, फॉरफीचर करना है, तो हम देखते हैं कि क्या फॉरफीचर करना है। तो बोलता है मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर डिडंट पे द सेकंड कॉल एंड द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड। ठीक है भाई, इनके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया है, तो ठीक है भाई, फॉरफीचर हम लोग देख लेते हैं कि क्या किया है हमने, फॉरफिट किया है, कैसे किया है, नहीं किया है। हम लोग फॉरफीचर की एंट्री अब करते हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री मैं यहां कर रहा हूं, सेवेंथ नंबर एंट्री है फॉरफीचर की। तो ये 400 शेयर्स जो थे, ये 400 शेयर्स पूरे हम फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स ₹100 वाले, क्योंकि शेयर का कीमत ₹100 था, तो 400 × 100 40,000 टू कॉल्स इन एरियर। कितना पैसा नहीं मिला जो अब नहीं मिलेगा? तो भाई वो कितना था, 400 × 25, ₹10,000 नहीं मिला, नहीं मिलेगा। टू
फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, हमने कितना फॉरफीट किया, तो आप डायरेक्ट भी माइनस करके यहां पे 30,000 लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो आप डायरेक्ट भी, क्योंकि डेबिट अगर 40,000 है, क्रेडिट 10,000 है, तो बचा हुआ 30,000 ही क्रेडिट होगा। और अगर लॉजिकली चढ़ना चाहते हैं तो 400 शेयर्स पे हमें क्या क्या मिल गया, तो 50 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिल गया और 25 रुपया फर्स्ट कॉल का मिल गया। तो 400 × 50 और 70 × 5 = 75, तो 400 × 75 करेंगे तो भी 30,000 रुपया आएगा। आप चाहें तो ऐसे कर लें, आप चाहें तो वैसे कर लें, जैसे कर लें, ठीक है। या तो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल के कर लें, अगर आपकी समझ इतनी अच्छी हो गई है कि आपको पर शेयर अमाउंट समझ में आता है, तो आप पर शेयर अमाउंट के हिसाब से कर लें। 75 × 400 30,000 रुपया होगा। आइए पॉइंट नंबर एट क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर एट अपने को बोलता है कि 300 आउट ऑफ विच वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड फॉर 80 पर शेयर। अब इसमें से 300 शेयर हमने रीइश्यू कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300, सामने वाले से 80 रुपया हमने मांगा है और उसको शेयर 100 रुपया वाला दिया है, ठीक है। तो 300 × 80 8 × 24,000 रुपया आपको मिला, ठीक है। 20 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है सामने वाले को 300 शेयर्स पे। तो आइए यहां आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कीजिएगा, 300 × 6 तो 3 × 2 = 6,000 रुपया, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल, आपने 300 शेयर्स इशू किए जिसकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है, तो 30,000 रुपया। 400 में से 300 शेयर आपने रीइश्यू मार दिए हैं, ठीक है। आइए अब मुझे बताइए कि कितना रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिएगा, ये आपका टास्क है, बताना कि कितना रुपया आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि कैपिटल रिजर्व में वही पैसा ट्रांसफर होता है जितने शेयर्स को हम रीइश्यू कर देते हैं, उनपे जो बची हुई कमाई होती है वही कमाई कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कल मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, ठीक है। तो भाई आप मुझे बताइए कितना रुपया ट्रांसफर होगा। हाँ, सोलह हजार पांच सौ ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा, 2,000 ट्रांसफर होगा, 2,000 वाले आदमी समझाइए कैसे 2,000 रुपया ट्रांसफर होगा। ये हमको समझाइए ना बेटा, अरे मेरे बाबू इतना आसान है इसका कैलकुलेशन। आइए पर शेयर निकालिए ना, पर शेयर छोड़िए मारिए गोली, पर शेयर कितना फॉरफीट हुआ, फॉरफीट पर शेयर निकालिए। आप लोग काहे नहीं समझ पा रहे, बोलिए, अब बोलना पड़ेगा, फॉरफीट पर शेयर कितना रुपया हुआ है, बोलिए। ₹25 फॉरफिट हुआ है पर शेयर, पर शेयर कंपनी कितना रुपया फॉरफिट की है भाई, जो 400 शेयर फॉरफिट की, ₹75 फॉरफिट की है मेरे भाई। हाँ ₹75 फॉरफिट की है कंपनी, देख रहे हैं एंट्री में भी लिखा हुआ है, तभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाई, काहे नहीं समझ पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा बात, ठीक है। सामने सामने यहाँ एंट्री में लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिए हैं, इसीलिए लिख दिए हैं कि पर शेयर कितना रुपया फॉर फीचर है, ठीक है भाई। 100 रुपए का शेयर था, अगला व्यक्ति फाइनल कॉल 25 रुपए का नहीं दिया तो कितना दे दिया, 75 रुपया दे दिया, तो फॉरफिटेड पर शेयर 75 रुपया है, पर शेयर की बात कर रहे हैं, ये आपने फॉरफिट किया है, ठीक है। अब जब आपने रीइश्यू किया है, रीइश्यू तो रीइश्यू में डिस्काउंट कितना दिया है पर शेयर, बताइए बोलिए,
कहाँ 25 रुपया डिस्काउंट दिया है मेरे भाई, आँख, हाँ 20 रुपया है, दिमाग खोल के सब लोग क्वेश्चन बनाइए, 20 रुपया है बाबू, एकदम फोकस पूरा कीजिए यहाँ, ठीक है। आप देखिए पर शेयर 75 रुपया कमाए हैं और पर शेयर 20 रुपया डिस्काउंट दे दिए हैं, तो पर शेयर मुनाफा कितना बचा है बताइए, प्रॉफिट पर शेयर कितना बचा है, 55 रुपया, ठीक है। कितना नंबर ऑफ शेयर को रीइश्यू कर दिए हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, तीन सौ लिख दीजिए दो अमाउंट निकाल करके, हाँ हाँ 16,500 आएगा भैया, हम कहाँ करें कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम समझाएंगे भी तो बाकी लोग को ना, तो ठीक है हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आया 16,000, इसीलिए तो हम 2000 वाले व्यक्ति से सवाल कर रहे थे ना कि उसका 2000 कैसे आ गया, फिर उसने बोला कि नहीं सर मेरा गलत है, ठीक है। क्या आप इस चीज को बाबू, अगर इस चीज को आप नहीं समझ पाइएगा, कोई फॉर्मूला नहीं बना है जिसको जो आपको इस चीज का आंसर निकाल दे, ठीक है, मार्केट में जितना लोग है, ठीक है, इससे ऊपर का सारा चीज का फॉर्मूला आपको दे सकता है, ठीक है, लेकिन कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ आपको पर शेयर के हिसाब से समझना पड़ेगा। आप टीएस ग्रेवाल खोल लीजिए, डीके गोयल खोल लीजिए, एससी शर्मा खोल लीजिए, पीसी तुलस्यान खोल लीजिए, हनीफ मुखर्जी खोल लीजिए, कोई भी किताब खोल लीजिए, इसी तरीके से वहां कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज यही तरीका है कैलकुलेशन करने का। नहीं समझ में आएगा हम 10 बार समझाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्या यहां तक समझ में आ गया, ये पर शेयर आपको प्रॉफिट निकालना समझ में आया, और पर शेयर जब प्रॉफिट निकलेगा मल्टीप्लाई इसको करना पड़ता है उतने शेयर से जितना हमने रीइश्यू कर दिया है, तो पता चलेगा कि अच्छा ये 16,500 रुपया जो मेरा है ये मेरा कंप्लीट मुनाफा हो गया, ये कंप्लीट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए अपना। बोलिए भाई यहां तक आप लोग ओके हैं, यहां तक ओके हैं, तो हम फिर लेजर बनाएं आगे। यहां तक ठीक है, चलिए अब आपको लेजर बनाने के लिए बोल रहा है, तो एक बार आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लेजर बनाने टाइम में जर्नल एंट्री आपके पास में रहे, बिकॉज जर्नल एंट्री के बिना आप लेजर नहीं बना पाएंगे अभी फिलहाल, ऐसे तो आप बना देंगे जब 2-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप बिना जर्नल एंट्री के लेजर नहीं बना पाएंगे। तो भाई मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप भी ले लीजिए, हम 2 मिनट का टाइम आपको दे दिए। चलिए अब हमको बोल रहा है सबसे पहले बनाने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अकाउंट्स बनाना पूछता है बेटा पेपर में, ठीक है, तभी हम आपको अलग से लेजर बनाना 12th क्लास में सिखा रहे हैं, वरना हम नहीं सिखा रहे होते ये चीज। हम बोल देते कि लेजर बस यूं ही अपना जैसे नॉर्मल लेजर बनता है वैसे बना दीजिए, ऐसे बनेगा भी वैसे ही जैसे नॉर्मल लेजर बनता है, ठीक है, लेकिन एक बार बता देना जरूरी है ताकि आप समझ पाए सही से। आइए चलिए हम लोगों को 2 लेजर बनाना है, पहला लेजर बनाना है शेयर कैपिटल का, और दूसरा लेजर एक और पूछा था आपसे, देखते हैं वो किस चीज का लेजर पूछा था, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां हम शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे,
और इधर हम फॉरफिटेड शेयर्स का लेजर बनाएंगे। जिसका जर्नल गलत उसका लेजर गलत, याद रखिएगा, जिसका जर्नल एंट्री गलत हुआ उसका लेजर गलत हो जाएगा, इतना आप भी जान रहे हैं। आइए, शेयर कैपिटल में पहली एंट्री, शेयर कैपिटल में पहली एंट्री बताया जाए भाई, बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पहली एंट्री होगी, अमाउंट होगा 5 लाख, ठीक है, मैं जर्नल से सीधा उठा रहा हूं, आप भी जर्नल से उठा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट कितनी एंट्री होगी बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2,50,000, ठीक है। फिर एंट्री होगी बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बाय शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने की एंट्री होगी, 2,50,000 रुपए की। आइए आगे क्या एंट्री होगी, तो टू, अब शेयर कैपिटल आपका डेबिट हुआ है, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये नेक्स्ट वाली एंट्री से मैंने उठाया है, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितना अमाउंट आया है फॉरफिटेड शेयर का, तो हमने कितना पैसा बचाया था, 30,000 रुपया, 30,000। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कितना रुपया है कॉल्स इन एरियर का, 10,000 होगा मेरे हिसाब से, 10,000, जी 10,000, ठीक है। बताइए क्या इस एंट्री में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री, मेरे हिसाब से नहीं होगा आप कोई कंफ्यूजन आपको। तो यहां पे टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 2,50,000, 5 और 5 10, 10 लाख में से 40,000, तो 9,60,000। आपको ये ऐसे लेजर बनाने को पूछ सकता है। और बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको सीधे लेजर बनाने को पूछ सकता है, जर्नल नहीं बोलेगा बनाने के लिए, तो वैसे केस में आपको भी इतना प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा कि जर्नल सोच सोच के आपको डायरेक्ट लेजर बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए फॉरफिटेड शेयर का एंट्री कीजिए, फॉरफिटेड शेयर का एंट्री कीजिए, तो एंट्री होगा बाई, अरे कर दे मेरे भाई ब्रॉड डाउन, क्या दिक्कत है, हम लोग ब्रॉड डाउन करके दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप चाहें तो ब्रॉड डाउन करके दिखा दीजिए। बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, किस चीज में, अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ, री इशू की भी एंट्री करेंगे बेटा, हम वहां तक एंट्री हम चेक नहीं कर पाए थे, सॉरी, री इशू की भी एंट्री करेंगे, कर रहे हैं, री इशू की भी एंट्री करेंगे, बिल्कुल, हम वहां तक नजर नहीं कर पाए, बिल्कुल, री इशू की भी एंट्री होगी, थैंक यू, री इशू की भी एंट्री होगी, क्योंकि वहां भी तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है मेरे भाई, री इशू की भी एंट्री होगी, जो री इशू हुआ है, आइए उसकी एंट्री कीजिए। बाय बैंक अकाउंट 24,000 एंड बाय फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितना है ये, 6,000,
थैंक यू भाई बताने के लिए। रीइशू की एंट्री छूट गई थी मेरे से गलती से, ठीक है। यहाँ बैलेंस सीडी का अमाउंट बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। यहाँ बैलेंस सीडी का अमाउंट बदल जाएगा, 30,000 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 5,00,000, 5 और 5 10,00,000, 10,00,000 30,000, मैं 10,00,000, ये हो जाएगा 9,90,000 मेरे हिसाब से बैलेंस सीडी गिरेगा, बैलेंस सीडी गिरेगा 9,90,000, ठीक है 9,90,000, ठीक है। यहां 10,30,000, 10,30,000, सॉरी एक जर्नल में से स्किप हो गया था इस वजह से। ये देखिए जैसे जर्नल में से स्किप हो गया था तो ऐसा स्किप हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला, ये रीइशू वाला पॉइंट है, ये रीइशू वाला पॉइंट है जब आपने फिर से शेयर कैपिटल को इशू किया। आइए अब फॉरफिटेड शेयर का बनाते हैं, फॉरफिटेड शेयर का खाता बनाइए। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में हमने लिखा बाई शेयर कैपिटल, बाई शेयर कैपिटल हमने फॉरफिटेड शेयर में लिखा है। और अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा यहाँ पे, अमाउंट होगा यहाँ पे 30,000, 40,000 मत लिख दीजिएगा, आपको पता है अमाउंट क्या लिखेंगे, जो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस है वही लिखेंगे, बाई शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। आगे बढ़िए, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जर्नल चेक कीजिए, तो नेक्स्ट जर्नल में आपको दिख रहा है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो डेबिट साइड में टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया डेबिट किया गया है, 6,000 रुपया डेबिट किया गया है, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर में अगला एंट्री कहां होगा, अगला एंट्री होगा डेबिट साइड में, ठीक है। चलिए अगला एंट्री, फिर फॉरफिटेड शेयर का अगला एंट्री हम लोग देखेंगे जर्नल, तो अपने को दिख रहा है कि फॉरफिटेड शेयर फिर डेबिट किया गया है 16,500 से, तो एंट्री होगी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 16,500, और बैलेंस मिलाइए कितना हो गया 16,622,500, तो टू बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस है 30,000 में से अगर हम 16,622,500 बचता है तो ये हो गया 22,500, तो ये हो गया 7,500, इस बैलेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, इस बैलेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले आप लेजर अंडरस्टैंड कर लीजिए कि लेजर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, लेजर में कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए हमको, मेरे हिसाब से लेजर में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। हाँ ना जल्दी चेक करके बेटा, हाँ ना कीजिए, ठीक है। अगर लेजर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब मुझे बताइए ये जो 7,500 रुपया बैलेंस आया है आपका, बैलेंस सीडी जो ये 7,500 रुपया है, ठीक है, इसका ब्रेकअप बताइए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे कितना रुपया है जो ये फॉरफिटेड शेयर्स में पड़ा हुआ है बताइए, और ये क्या है, ये बैलेंस सीडी क्या है, सौ शेयर पे 75 रुपए के हिसाब से क्या है, और ये बैलेंस क्यों यहां पड़ा हुआ है। हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलिए
ये वो फॉरफिटेड शेयर का पैसा पड़ा हुआ है जो अभी रीइश्यू नहीं हुआ है, रीइश्यू के टाइम काम आएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। हाँ खोलना वो, ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में इतना करना था, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे बात कर लेना, कुछ कह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको भेज रहे हैं, उस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इस बीच में आप लोग अपना सेशन भी चेंज कर लीजिए, 10:40 हो गया, चेंज कर लीजिए सेशन प्लीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझा के छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा, सबको पहले ज्वाइन कर देने दीजिए। क्या हुआ? हाँ बोलिए। नहीं, इसमें अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, बना लीजिए, काहे नहीं बना सकते हैं? आप किसी भी क्वेश्चन में जहां जर्नल बना रहे हैं वहां आप लेजर बना सकते हैं। चलिए डिस्कस कर ले हम क्वेश्चन की, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड ने 20,000 एप्लीकेशन भेजे 10 रुपए वाले, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाई कंपनी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाई कंपनी, इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, याद रखिएगा। An applicant who has been who had allotted 100 shares failed to pay the allotment and first call money due from him. ठीक है, his shares were forfeited after the first call and were immediately reissued at ₹8.50 per share. अब ध्यान से बाबू क्वेश्चन समझिएगा, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया है तो कंपनी ने, ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने कितना रुपया कॉल किया है? 3 रुपया एप्लीकेशन, चुप रहो, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट,
₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 फाइनल कॉल कंपनी ने किया ही नहीं है। तो कंपनी ने ₹8 कॉल किया था, इस ₹8 कॉल पे सामने वाले ने ₹6 दिया और ₹2 नहीं दिया। क्या यहां तक की बात समझ में आपको आती है? अगर यहां तक की बात समझ में आती है तो आगे की बात समझ में आएगी। तो कंपनी ने अभी तक जो शेयर कॉल किया है उस शेयर को क्या किया है, उसने सिर्फ ₹8 ही उस शेयर पे कॉल किया था। तो जब कंपनी के शेयर्स को आप कैंसिल कीजिएगा बाबू, तो आप ₹8 से ही कैंसिल कीजिएगा, ₹10 से कैंसिल मत कर दीजिएगा। ये पहला प्रिकॉशन है, ठीक है? मेरे हिसाब से अब आप ये प्रिकॉशन समझ गए होंगे। आगे और आगे लिखता है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मतलब यहीं पे फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को फॉरफिट कर दिया गया और इमीडिएटली रीइश्यूड। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप पॉइंट ऑफ कंसर्न रखिएगा। बोलता है इमीडिएटली रीइश्यूड, कहने का मतलब कि सेकेंड कॉल मांगने से पहले ही उसको रीइश्यू भी कर दिया। तो बाबू अभी तक कितना रुपया मांगा हुआ था, कंपनी ने ₹8। तो भाई जब कंपनी रीइश्यू कर रहा है शेयर्स को, तो कंपनी ने जब ₹2 मांगा ही नहीं था अभी तक, तो सामने वाले को भी कंपनी कितना में रीइश्यू कर सकता है? ₹8 में ही कर सकता है। देखिए ये एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि भाई स्पेशल पॉइंट है, तभी क्वेश्चन को मैंने रखा है। रिपीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। यहां एक नया पॉइंट क्या आया, यहां एक नया पॉइंट ये आया कि अगर कंपनी ने किसी शेयर पे पूरा पैसा कॉल नहीं किया है, कुछ पैसा अभी बाकी है कॉल करना, और एक कॉल करने से पहले ही कंपनी अगर फॉरफिट कर देती है शेयर को, तो नेक्स्ट रीइश्यू जब कंपनी करेगी तो वो उतने ही रुपए पे रीइश्यू करेगी, फेस वैल्यू उतना ही होगा जितना रुपए पे उसने फॉरफिट किया था। मींस इन दिस केस व्हेन द न्यू शेयर्स विल बी रीइश्यूड टू सम अदर पर्सन, इट विल बी रीइश्यूड एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹8 ओनली, बिकॉज ₹8 हैज बीन कॉल्ड फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर। प्रीवियस शेयर होल्डर से भी कंपनी ने कितना मांगा था, ₹8 ही मांगा था। नाउ तो अब आप मेरे को बोलेंगे कि सर लेकिन यहां पे आप देखिए सर, यहां पे तो सामने वाला कंपनी से ₹8.5 मांग रहा है। चेक योर क्वेश्चन, कंपनी से सामने वाला ₹8.50 मांग रहा है। मैंने बोला कि हाँ बेटा ₹8.50 मांग रहा है, इसका मतलब शेयर का फेस वैल्यू ₹8 है और उस पे प्रीमियम कितना है, प्रीमियम पचास पैसा है। मतलब इन केस ऑफ द रीइश्यू ऑफ द पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स, मीन्स जिस शेयर पे आपने पूरा पैसा अभी नहीं मांगा है, आप अगर उस शेयर को पूरा पैसा मांगने से पहले फॉरफिट करते हो, तो उस केस में जब रीइश्यू भी होगा तो उसी फेस वैल्यू पे होगा जिस फेस वैल्यू पे आपने शेयर फॉरफिट किया था। हाँ, अगर आप सामने वाले से एक्स्ट्रा पैसा मांगते हो, इसका मतलब आप फेस वैल्यू से ऊपर उससे प्रीमियम मांग रहे हो। ठीक है, अगर यही शेयर ₹9 का इश्यू किया जाता, ₹9 का, तो पता है फेस वैल्यू ₹8 होती और प्रीमियम कितना रुपया होता, ₹1 होता। ठीक है, लेकिन यहां पे ये कितना है, 8.50 है, तो ₹8 फेस वैल्यू है और 50 पैसा पर शेयर पे क्या है, प्रीमियम है। हाँ जी, सवाल, आपके सवाल, मैंने बता दिया मुझे जो बताना था। हाँ बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलो ना भाई, हेलो। हाँ 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 हाँ
हाँ तब भी 2 रुपया प्रीमियम में जाता, बिल्कुल ठीक है। हम फिर से समझा रहे हैं क्वेश्चन, हम फिर से समझा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फिर से समझा दीजिए, हम फिर से समझा रहे हैं। घबराइए नहीं, फिर से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को सिर्फ अपने सामने खोल के रखिए, बिना क्वेश्चन आपके सामने रहे हुए आप नहीं समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन क्या सवाल करता है देखिए, हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखने का मतलब है कि जो जरूरी चीजें, बोलता है 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, और है 2 रुपया फाइनल कॉल भी, लेकिन मांगा नहीं गया है अभी, कंपनी ने मांगा नहीं है। तो कंपनी ने क्या मांगा है, व्हाट द कंपनी हैज आस्क्ड, ₹8। ठीक है भैया, आगे बोलता है हमारे पास में एक शेयर होल्डर है, मान लो एक्स एक शेयर होल्डर है, इसके पास में 100 शेयर्स हैं। हमने बोला ठीक, इसने क्या नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने बोला ठीक, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बोला ठीक, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया था, काट दो, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया था। तो चलो देखते हैं मांगा कितना गया इस पर्सन से, कॉल्ड कितना हुआ इस पर्सन को, और पेड कितना किया इस पर्सन ने। कॉल्ड हुआ इस पर्सन से 8 रुपया, पेड किया इस पर्सन ने मात्र 3 रुपया, ठीक है। एरियर लटक गया इस पर्सन के पास कितना, कॉल्स एरियर हो गया इस पर्सन के पास 5 रुपया। आओ इस चीज को पहले एंट्री के रूप में लिख लो, चलो फॉरफीचर कर लो मतलब। और फॉरफीचर कब हो गया तो ध्यान देना, यहीं पे फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल मांगा भी नहीं है, किसी से नहीं मांगा है सेकंड कॉल, ठीक है, और यहीं पे फॉरफीचर कर दिया। तो हम फर्स्ट कॉल के बाद बेटा फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, और फिर वहीं पे लिखता है कि वहीं पे रीइश्यू भी कर दिया, तो हम वहीं पे रीइश्यू भी करेंगे, ठीक है। और तब कहीं जाके सेकंड कॉल की बात आएगी, आएगी नहीं आएगी क्या होगा देखा जाएगा। तो पहले फॉरफीचर मारो, करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, 100 शेयर पे मांगा गया 8 रुपया, तो 8 रुपए से हम शेयर कैंसिल करेंगे, 800 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कितना पैसा हम जब्त करेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितना रुपया दे दिया उसने, 3 रुपया दे दिया, तो 100 × 3 ₹300। और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो नहीं दिया, 100 × 5 ₹500। हमने भाई कर दिया फॉरफिट, फॉरफिटर तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने फॉरफिट कर दिया। अब इससे आगे की बात करते हैं, फॉरफिचर से आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि बाबू शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, तो हमने बोला कि शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कैंसिल करने के समय ₹8 थी, और तुरंत से फिर रीइश्यू हो रहा है, तुरंत से फिर रीइश्यू। तो भाई जब आपने अभी तक सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं है, तो शेयर की वैल्यू ₹10 तो हो ही नहीं सकती है, और ना ही क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी शेयर की वैल्यू को कंपनी ने ₹10 का बना दिया है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम शेयर की रीइश्यूड वैल्यू क्या मानेंगे, रीइश्यूड वैल्यू पर शेयर हम मानेंगे कितना, कि 8 रुपया है, ठीक है। एट व्हाट रेट इट हैज बीन कैंसिल्ड, इट हैज बीन रीइश्यूड एट द सेम फेस वैल्यू, ठीक है, उसी फेस वैल्यू पे हमने इसको रीइश्यू किया, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे लेकिन व्हाट इज द अमाउंट आस्क्ड पर शेयर, पर शेयर सामने वाले से आस्क कितना किया गया, तो भैया 8.5 रुपया,
हम बोले यार 8.5 रुपये आस्क किया गया 8 रुपये की चीज के लिए, तो हाँ अंडरस्टूड है, देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल्स टू 0.50, 50 पैसा प्रीमियम मांग रहे हैं हम पर शेयर। आइए इस एंट्री को सेट करते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर पे 8.5 रुपए के हिसाब से 800 रुपया टू शेयर कैपिटल 100 शेयर पे डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द शेयर इज 8, दैट्स वाई आई हैव मल्टीप्लाइड दिस विथ 8, 800 रुपया। एंड टू, जब आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 यू हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इनटू ए स्पेशल रिजर्व एंड दैट रिजर्व इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 100 शेयर पे 50 पैसे के हिसाब से 50 रुपया। ठीक है, तो ये हो गई किस चीज की एंट्री, ये हो गई री इशू की एंट्री। बताइए क्या यहां तक री इशू की एंट्री तक समझ में आया? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, अगर फाइनल कॉल मांगने के बाद री इशू करता तो ऑब्वियसली द फेस वैल्यू विल बी ₹10। फॉरफीचर अगर फर्स्ट कॉल पे कर दिया और री इशू फाइनल कॉल के बाद करेगा तभी भी फेस वैल्यू ₹10 हो जाएगी बेटा, फेस वैल्यू ₹10 हो जाएगी लॉजिकली, क्योंकि अब हर शेयर की कीमत कंपनी की कितनी हो गई है, ₹10 हो गए। हाँ, नहीं नहीं, न्यू वाले शेयर होल्डर से सीधे एक बार में हुंडा हुंडी जो काम करना होगा वो काम किया जाएगा, उससे फाइनल कॉल वॉल नहीं मांगा जाएगा, उससे जो सेटिंग करनी है एक बार में करके उससे रिसीव किया जाएगा। हाँ, अगर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो उस टाइम फॉरफीचर अकाउंट से आपको लेना पड़ेगा, कंपनी को लॉस होगा। हाँ जी बिल्कुल, बताते हैं बताते हैं, वैसा क्वेश्चन भी बताते हैं, अभी रुक जाइए ना, पहले इस क्वेश्चन में अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, वैसा क्वेश्चन भी आएगा जब तो वो भी बताएंगे बेटा, पहले जो चल रहा है उसमें अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। क्या यहां तक आप लोग कंफर्टेबल हैं? क्या यहां तक आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें और आगे भी बात करनी है, अभी आगे भी बात करनी है। बताइए बताइए, कैपिटल रिजर्व में हम कितना पैसा ट्रांसफर करें? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जो फॉरफीचर हुआ था वो रीइश्यू हो गया है, तो इसका मतलब फॉरफीचर पे जो जब्त पैसा रहा होगा उसको हमको अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बताइए कितना पैसा ट्रांसफर करें? अब हमारे पास में कैपिटल रिजर्व का फॉरफिटेड शेयर का क्या कोई पैसा जो फॉरफिटेड शेयर में हमने जब्त किया था इस रीइश्यू में क्या है, वो पैसा यूज हुआ है या नहीं यूज हुआ है? बताइए, जो हमने फॉरफिट किया था पैसा, यहाँ पे जो हमने पैसा फॉरफिट किया था 300 रुपया, क्या ये पैसा रीइश्यू में यूज हुआ है या नहीं यूज हुआ है? आगे कैसे हो सकता है विशेष, जब हम उस शेयर को ऑलरेडी रीइश्यू कर दिए 8.5 रुपए पे? अरे नहीं ड्यू करेगा मेरे भाई, पहले से समझाते आ रहे हैं कि नहीं ड्यू करेगा रीइश्यू पे फाइनल कॉल। क्या समझा रहे कि रीइश्यू पे जो होता है एक बार में हो जाता है,
हम फाइनल कॉल नहीं रीइशूड शेयर पे, फाइनल कॉल हम नहीं इशू कर नहीं ड्यू करेंगे मेरे भाई। हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो 100 शेयर काट के ड्यू करेंगे, बाकी जो शेयर है उस पर ही ड्यू करेंगे। अभी तो समझाया आपको तुरंत, आप किसी ने सवाल किया मैंने उसका जवाब भी दिया है कि हम फाइनल कॉल पे अब कोई भी पैसा इस रीइशूड शेयर वाले व्यक्ति से नहीं मांगेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या ये पैसा मेरा अभी कहीं और यूटिलाइज होगा या इसका काम खत्म हो गया, ये मेरा इनकम हो गया? क्या ये 100 शेयर्स फिर से रीइशू किए जाएंगे क्या, या कुछ ऐसा होगा क्या इसके साथ में? तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पैसा मेरा जो 300 रुपया मैंने जब्त किया है, ये 300 रुपया मेरा इनकम हो गया। अब इसको मुझे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस 300 रुपए को अब मैं क्या करूंगा, तो इस 300 रुपए को मैं सीधे अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 रुपया। क्या समझ आया कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तभी भी आप बता सकते हैं, समझ आया तो जल्दी बताइए कि हाँ समझ आया, और भी क्वेश्चन डिस्कस करना है। नहीं समझ आया तो फिर हम बताएंगे कि हाँ नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अगर इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं मेरे भाई, तो एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स इशू किया हुआ था? 20,000 माइनस 100, 19,900 गुने 2 शेयर कैपिटल, 19,900 गुने 2, और फिर इस पैसे को रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए हुआ क्वेश्चन। अगर ओके हो गया तो आप ओके लिख दीजिए भाई साहब चैट पे, अगर ओके हो गया तो ओके लिख दीजिए, इन केस यू हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी लोग भी भाई बता दीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है। हाँ बोलिए। प्रीमियम कैसे हुआ बाबू? प्रीमियम ऐसे हुआ कि क्या बोल रहे हैं, नहीं आवाज आ रही है मेरे को, आवाज ही नहीं मिल रही है। हेलो बेटा, पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम बता देते हैं। बेटा प्रीमियम ऐसे हुआ कि भाई 8 रुपए की कोई डिक्लेयर्ड वैल्यू की चीज थी, ठीक है, जो कि रीइशूड वैल्यू, देखिए ना 8 रुपया अगर इसका रीइशूड वैल्यू है, ठीक है, शेयर क्योंकि अभी इस शेयर पे कंपनी ने कॉल 8 ही रुपया किया है ना, तो ये कंपनी के लिए ये शेयर जो है आपका, ये उसकी वैल्यू कितनी है, 8 रुपए। तो 8 रुपए के जगह पे अगर आप किसी से 8.5 रुपया मांग रहे हैं, 8.5 रुपए में आप किसी को 8 रुपए की चीज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रीमियम ही तो होगा 50 पैसा, और क्या होगा? क्योंकि भाई आप रीइशू जब कर रहे हैं, आप सेकंड कॉल के पहले ही रीइशू कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि बेटा इस 100 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं जाएगी, ठीक है, ये शेयर डिक्लेयर्ड 8 ही रुपए का रह जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये कैंसिल हुआ था तो ये 8 ही रुपए का था एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
ठीक है। तो भाई जब ये स्क्रिप्ट 8 ही रुपए का है, 8 रुपए की स्क्रिप्ट किसी को 8.5 में बेच रहे हो, तो तुम उससे 50 पैसा क्या ले रहे हो? प्रीमियम ही तो ले रहे हो। ये शेयर 10 रुपए का बेटा है ही नहीं, ठीक है। क्यों क्यों 10 रुपए का नहीं है? बिकॉज ये जब कैंसिल हुआ तब इस पे 8 ही रुपया मांगा गया था, और भाई जो चीज जितने से कैंसिल होगी फिर उतने से ही इश्यू होगी ना, ठीक है। हाँ, अगर इसको कंपनी 10 रुपए पर इशू करती, ठीक है, अगर करती, जो कि इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है, अगर कंपनी करती और तब कंपनी सामने वाले से 8.5 रुपया मांगती तो 1.5 रुपए का कंपनी को लॉस होता, समझो इस बात को भी, ठीक है। अगर मैं ये लिख देता कि द शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड एट ₹8.50 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप, अगर मैं ये आगे ये लाइन लिख देता फुल्ली कॉल्ड अप, तो इसका मतलब क्या हो जाता? हम इस शेयर को कितने रुपए का बना दिए? 10 का बना दिए, और तब कंपनी को 1.5 रुपए का लॉस होता, और शेयर कैपिटल अकाउंट तब 800 से क्रेडिट नहीं होता, तब ये शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपए से क्रेडिट होता। समझो, आप यहां कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। हमने देखो, ध्यान से देखो, यहां हमने शेयर कैपिटल को 800 रुपए ही रखा है, क्योंकि हमें नहीं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो फुल्ली कॉल्ड अप उसको बनाना है। हम अपनी मर्जी से 8 रुपए की कैंसिल चीज को 10 रुपए का नहीं ना बना सकते हैं, अंटिल एंड अनलेस वी आर प्रोवाइडेड फॉर दैट, अगर हमें ऐसा दिया हुआ हो तो। बताइए, हाँ, तो हम क्या करें बेटा? प्रैक्टिकली हमको ऐसा नहीं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो व्हाट कैन आई डू? ये तो आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर से पूछिए ना जा करके, ठीक है। मुझे जो दिया हुआ है मैं उसी का अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना आपको। इस क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि इट इज रीइश्यूड एट ₹8.50, तो व्हाट आई विल टेल टू यू कि भैया ये 8 रुपए की चीज है, 8.5 रुपए का इशू हुआ। तभी तो मैं आगे कंडीशन दूसरा लिख के भी बता रहा हूँ कि भाई अगर ये फुल्ली कॉल्ड अप इशू होता, ठीक है, तभी भी बेटा कंपनी अगर मानते हैं कि 8.5 रुपया लेती, तभी भी कंपनी को तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो हम तो इस बात पे क्यों चर्चा कर रहे हैं कि कंपनी को फायदा हुआ या कंपनी को नुकसान हुआ, ठीक है। ये हम आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हम आपको नहीं पढ़ा रहे कि हम इस मैटर पे बात करें, ठीक है। हाँ, अगर आप इंक्विजिटिव हैं तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को यहाँ पे लॉस हुआ है। जी बता सकते हैं हम आपको कि भाई वो बिकना चाहिए था वो शेयर 10 रुपए का, नहीं बिका 10 रुपए का, 8 ही रुपए का रह गया, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। वी डोंट हैव टू डिस्कस कि व्हाट कंपनी को हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में हाँ, 100 शेयर पे कंपनी को 2 रुपए का नुकसान हो गया हम मानते हैं, क्योंकि 8 रुपए पे ही इस चीज को दोबारा 2 रुपए का नहीं, 50 पैसा तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का उठा ही लिया, 1.5 रुपए का नुकसान तो तभी भी कंपनी को हुआ। हाँ, तो वो तो हम मानने को रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 रुपए का कैश डिस्काउंट कंपनी को हुआ है। हाँ बोलिए, नहीं लेगी बाबू, आपको ये एंट्री नहीं दिख रही है? जितना जो लेना था सो ले लिया ना बेटा, देखिए ना, क्योंकि आपने इसको उतने ही पे डिक्लेयर किया ना, सामने वाले को आपने बोला कि भैया ये 8 रुपए की चीज है, आप 8.5 रुपया दो, तो फिर आप एक्स्ट्रा उससे 2 रुपया किस बात का लोगे? तो बिल्कुल देखो ना, शेयर कैपिटल 8 रुपए से ही तो क्रेडिट किए हैं, कहां 10 रुपए से क्रेडिट कर दिए। हाँ देखो ना, शेयर कैपिटल 8 ही रुपए से तो क्रेडिट किए हैं, देखो ना सामने सामने तो लिखा हो, उसका हक 8 ही रुपए के बराबर है। जी बिल्कुल, हाँ हाँ बाबू मेरे, कंपनी को रियलाइज नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पे, कंपनी को रियलाइज नुकसान नहीं हुआ है। कंपनी यहाँ पे उस चीज को बता ही बेटा 8 रुपए कर रही है यार, कंपनी उस चीज को कहाँ कह रही है कि वो 10 रुपए कर रही है।
कंपनी जितने से कैंसिल कर रही है उतने से ही रीइश्यू कर रही है मेरे भाई, ठीक है। हम आपको बार बार कहे जा रहे हैं कि इस पे फाइनल कॉल का केस ही नहीं बनेगा, ये शेयर 8 रुपए का ही इशूड रह गया, ठीक है। अगर ये शेयर 10 रुपए का इशूड होता तो कंपनी को लॉस होता मेरे भाई। अरे ये शेयर जो है ना, ये शेयर 8 रुपए का ही रह गया बेटा, यहां पे कंपनी को डिक्लेयर्ड लॉस नहीं है, ठीक है। कंपनी को डिक्लेयर्ड लॉस तब होता जब ये इसको शेयर कैपिटल को कंपनी यहां, देखो कंपनी को डिक्लेयर्ड लॉस तब होता जब कंपनी यहां 1000 रुपया क्रेडिट करती। कंपनी अपना शेयर कैपिटल नहीं बना रही है बेटा 1000 रुपए के बराबर का, वो उस शेयर कैपिटल को 800 पे ही छोड़ दिए, ठीक है। वो कह रही है कि मेरे 100 शेयर्स 8 रुपए के ही रहेंगे, वो नहीं होंगे 10 रुपए के, तो कैसे कंपनी को मैं बोलूं कि लॉस हो गया है, ठीक है। अगर वो 10 रुपए का बोल के और तब 8 रुपया लेती किसी से, तब ना मैं कहता कि लॉस हो गया है, ठीक है। वो तो कह ही रही है कि भाई मैं 8 रुपए के बदले 8 रुपए की ही चीज दे रही हूं जो 8.5 रुपए पे दे रही हूं, ठीक है। तो फिर वो कैसे अपना लॉस लिखेगी बताओ ना, यहाँ पे लॉस लिखने का तरीका क्या है जो लॉस लिखे। कंपनी ने 100 शेयर्स का तो अकाउंटिंग ही 8 रुपए पे बंद कर दिया, तो आप बार बार उसको फिर 10 रुपए पे मेरे को क्यों अकाउंट्स करने को कह रहे हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं सारे बच्चों को कि भाई ये 8 रुपए पे ही डिक्लेयर बंद कर दिया कंपनी ने इस शेयर को, ठीक है। तो हम एज एन अकाउंटेंट उसको 10 रुपए पे जबरदस्ती क्यों चर्चा कर रहे हैं उतने देर से कि 10 रुपए पे कीजिए, 10 रुपए पे कीजिए, 10 रुपए पे कीजिए, क्यों करेंगे हम 10 रुपए पे, ठीक है। हमें कंपनी कहती है भैया कि ये 8 ही रुपए की चीज है, 8 ही रुपए पे हम इसको बेचेंगे या 8 रुपए से ज्यादा में बेच लिया। अगर मान लो कि इसको 7 रुपए में बेच लिया होता ना, अगर इसको 7 रुपए में बेचा होता तब हम यहां पे फॉरफिटेड शेयर को डेबिट करते, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करते 100 रुपए से और तब यहां पे इसको 800 रुपया चढ़ाते, ठीक है। तब जाके कहीं कंपनी को लॉस होता, कंपनी डिक्लेयर ही इसको 8 रुपए पे कर रही है और मामला खत्म कर रही है, उसके बाद बोल रही है कि हो गया जो हमने फॉरफिट किया उसको, वो एक अलग क्लास ऑफ शेयर हो गया, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर का क्लास जो है कंपनी के पास अब 2 क्लास ऑफ शेयर्स हो गए। क्लास 1 19,900 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 100 शेयर्स एट द रेट ₹8 ईच। भाई वो मांगेगी ही नहीं 2 रुपया आगे, काम ही खत्म है, ठीक है। ये क्लास 1 हो गया, ये क्लास 2 हो गया। बैलेंस शीट में 2 क्लास ऑफ शेयर्स अब आएंगे, ठीक है। क्या यहां तक समझ आया कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो हम और कुछ बताएं। हेलो, अच्छा अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपको? चलिए ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं फिर। और किसको किसको क्लियर नहीं हुआ भाई, मुझे पता चले कि कहां पे क्या पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है तब मैं उस पर फोकस कर पाऊं भाई। और बाकी किसको क्लियर नहीं हुआ प्लीज बता दीजिए बेटा, और कहां क्लियर नहीं हुआ वो बताइए मुझे, फिर मैं उस पर बात करूं।
और किसी को डाउट? आइए बात करते हैं। कंपनी के पास 20,000 शेयर्स थे, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, ठीक है, फाइनल कॉल नहीं मांगा, मांगा ही नहीं है, किसी शेयर्स पे नहीं मांगा है, ठीक है। तो अब तक कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल में कितना रुपया ट्रांसफर किया होगा? एप्लीकेशन कितने रुपए का था, अलॉटमेंट कितने रुपए का था, कॉल कितने रुपए का था, बताइए। एप्लीकेशन कितने रुपए का था? 3 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपया, कॉल भी 2 रुपया था शायद, अलॉटमेंट 3 रुपया था, ठीक है, कॉल 2 रुपया था और ये कॉल 2 रुपया था जो अभी नहीं मांगा गया था। आइए आगे बढ़िए। 3, 3, 6, 2, 8, 20,000 शेयर्स पे कंपनी 8 रुपया मांग चुकी थी, 1,60,000। ये 1,60,000 रुपया कंपनी अपने शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर चुकी थी, क्रेडिट कर चुकी थी। आगे बढ़िए। अभी भी कंपनी ने यहां कुछ भी अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मांगा ही इतना पैसा था, इतना पैसा मांगा था, ये अभी मांगा ही नहीं था कंपनी ने। 1,60,000 रुपया जो कंपनी ने मांग करके शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया था, ठीक है, इसमें से कंपनी को 100 शेयर पे 8 रुपया कैंसिल करना पड़ा, करना पड़ा, ठीक है, मैंने बाउंड्री लाइन खींच दी है, इसको यही कैंसिल करना पड़ा, यही कैंसिल करना पड़ा, बाउंड्री लाइन यहां खींची हुई है, फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है, अभी कुछ पे नहीं मांगा गया है, ठीक है। फिर इसी ये फॉरफिट हुआ, फिर यहीं पे देखिए, अभी बाउंड्री लाइन के हम ऊपर ही हैं, फिर यहीं पे रीइश्यू हुआ 100 शेयर्स का, तो बताइए ना बेटा कि ये 10 रुपए का कैसे रीइश्यू हो सकता है, जब अभी तक किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स पे, किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स पे आपने 2 रुपया मांगा ही नहीं है, आपको रीइश्यू इस बाउंड्री लाइन के ऊपर ही करने को कह रहा है, तो हाउ कम आई एज एन अकाउंटेंट, नॉट एज अ फाइनेंस मैनेजर, हाउ कम आई विल राइट दैट इट इज 100 × 10, कैसे कर दें? ठीक है, मैं यही उतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द स्क्रिप्ट कांट बी रिकॉर्डेड एट अ वैल्यू दैट इज ₹10। और बात सुनिए, तो भैया इसको तो हम 8 ही रुपए का कह सकते हैं, और 8 रुपए के बदले अगला आपसे मांग रहा है 8.5, और ये सब हो रहा है इस बाउंड्री लाइन के ऊपर, ठीक है, तो और ये नक्की कर रहा है, नक्की फाइनल कर रहा है कि भैया लो फाइनली 100 शेयर रीइश्यू किए 8.5 रुपए पे, आप तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। तो भाई यहां पे हमने बोला कि 8 की चीज 8.5 में बिकी तो सिक्योरिटी प्रीमियम 50 पैसे का, क्योंकि एक्स्ट्रा में बिक रहा है। उसके बाद अब आइए, 20,000 में से 100 फॉरफिट भी हो गया, 100 रीइश्यू भी हो गया, बाउंड्री लाइन के नीचे कितना गिरा? बाउंड्री लाइन के नीचे तो बाबू 19,900 ही ना गिरेगा, क्योंकि 19,900 का ही ना काम यहां करेंगे, 100 का काम तो ऊपर ही, जब्त भी किए और रीइश्यू भी किए, सल्टा भी दिए, ठीक है, 8 की चीज डिक्लेयर किए, 8.5 रिसीव भी कर लिए, तो अब और क्या रिसीव करेंगे उससे, क्योंकि अब आप ड्यू जो करेंगे फाइनल कॉल, जब आप ड्यू ही कर रहे हैं 19,900 शेयर्स पे, तो फिर इस 100 शेयर की बार बार मेरे से क्यों बात करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप 19,900 शेयर पे 2 रुपया मांगेंगे तो मिलेगा भी तो बेटा आपको 19,900 शेयर पे ही ना 2 रुपया, ठीक है, या तो 19,900 पे मिलेगा, या अगर कोई और कॉल सिनेरियर करेगा तो उससे कम पे मिलेगा। तो आप बार बार इस वाली चीज को,
इस वाली चीज को क्यों उठा के ले आ रहे हैं कि इसका 2 रुपया कहां गया, इसका 2 रुपया कहां गया। अरे मेरे भाई, ये था ही 8 रुपए का, कैंसिल भी 8 रुपए पे हुआ, और 2 रुपए मांगने से पहले ही इसको रीइश्यू करके सल्टा दिया गया इसका काम। ठीक है, अब इसको फिर से, तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पे आप फाइनल कॉल मांगने के हकदार नहीं है, आप नहीं मांग सकते हैं फाइनल कॉल। ठीक है, तो आपके पास 2 क्लास ऑफ शेयर्स होगा। हाँ हेलो, अरे मेरे भाई, हम सारी कहानी पढ़ा दे रहे हैं, आप वहीं अटक के रह जा रहे हैं। भाई शेयर का कॉस्ट 10 रुपया है, आपको डिक्लेयर करके कह रहा है भाई कि उसको 8 रुपए में बेचना है, लिख रहा है क्या फुल्ली पेड अप? हम इतनी यही बात तो साला उतना देर से समझा रहे, पीछे 1 घंटा से समझा रहे। पेशेंस का भी एक लेवल होता है यार, हम कह रहे हैं आपको कि भाई वो 8 रुपए लिखा ही नहीं है, साफ आपको दे रहा है। भाई कैसे समझाएं यार, मैं तो दिमाग घूम गया उस टाइम से समझाने में। भाई कह रहा है कि हमारा जो शेयर्स है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट ₹8.50 पर शेयर, इमीडिएटली रीइश्यूड। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ये रीइश्यू कर दिया, वहीं पर रीइश्यू कर दिया। ठीक है, कॉस्ट से अपने को क्या मतलब है जब आपको कह रहा है कि वहीं पे इमीडिएटली रीइश्यू कर दिया, तो मैं कहाँ कैसे इसमें कॉस्ट रख लूँ यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाई 10 रुपए का शेयर है, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि शेयर 10 रुपए का है, लेकिन अगर उस शेयर पे 8 ही रुपए मांग के उसको कैंसिल किया गया था, तो भाई जिस चीज को जितने से कैंसिल किया गया था, हम तो वही बोलेंगे ना कि उतने ही से रीइश्यू किया गया। अगर हमको यहाँ पे लिख देता यार, हमको अगर यहाँ लिख देता, ऐसे लिख देता, द शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8.50 पर शेयर, डिक्लेयर्ड एज फुल्ली पेड, तब ना भाई हम मानते कि ये फुल्ली पेड 10 रुपए का डिक्लेयर किया गया। आप इस कठिनाई को काहे की समझ रहे हैं कि ये फाइनल कॉल करने से पहले ही ये शेयर फॉरफिट किया गया है बेटा, और फाइनल कॉल करने से पहले ही ये रीइश्यू किया गया है भाई। और हमें क्वेश्चन भी ये लिख के नहीं दे रहा है कि ये जो शेयर डिक्लेयर किया गया है वो फुल्ली पेड है, तो हाउ कैन वी कैन अज्यूम दैट कि वी हैव नॉट कॉल्ड द फाइनल कॉल येट एंड वी आर जस्ट रीइश्यूइंग अ शेयर, तो वी कैन रीइश्यू इट एट ₹10। हाउ कैन वी कैन कम दैट कि भाई अभी हमने फाइनल कॉल किया ही नहीं है 2 रुपए का, और शेयर को उससे पहले ही किसी को रीइश्यू कर रहे हैं, तो भैया उसको 10 रुपए का कैसे बना दें? अंटिल एंड अनलेस वो मुझे लिख के दे कि वो फुल्ली पेड है, क्वेश्चन नहीं लिख के दे रहा बेटा कि वो फुल्ली पेड है, तो हम क्यों जबरदस्ती इस चीज पर बात कर रहे हैं कि वो फुल्ली पेड है, वो फुल्ली पेड है, वो 10 रुपए का है, वो 10 रुपए, भाई नहीं है वो 10 रुपए का। सिंपल सा लॉजिक समझो ना यार, फेर दिया पूरे 1.5 घंटा से एक क्वेश्चन पे। मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है समझाने का भाई, या तो हम फिर सीधे समझा दे कि भाई यही होगा, यही कर लो। हम आपको बार बार समझाए जा रहे हैं कि भाई वो फुल्ली, वो क्वेश्चन हमको नहीं लिख के देना बेटा कि इट इज फुल्ली पेड। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख के दिया बाबू कि फुल्ली पेड है, और सर्कमस्टांसेस कहता है कि भाई अभी फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया है, उससे पहले ही फॉरफीचर हो रहा है और उससे पहले ही रीइश्यू हो रहा है, तो भाई जब कंपनी
हेलो लीव हो गया सर। हाँ कर रहे हैं, ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन होने दीजिए सब लोगों को पहले, फिर हम बात करते हैं आगे। हाँ बोलिए। हाँ नहीं नहीं किया बेटा, बताइए। इस कारण की बात नहीं ना है, हम जो आपको समझा रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे, ठीक है। आपकी बात हम अकेले आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आप दूसरी जगह पे दूसरी चीज को दिमाग में रख करके बैठे हुए, ठीक है। हम आपको जहां इस क्वेश्चन में जो समझाना चाह रहे हैं आप वो सर्कमस्टांसेस समझने को रेडी ही नहीं हो रहे, ठीक है। आप लोग सब लोग की का सुई वहां अटका हुआ है कि भाई 10 रुपए का शेयर है। अरे मेरे भाई, हम कह रहे हैं कि जिस चीज पे अभी 2 रुपया मांगे ही नहीं है वो 10 रुपए का हो कैसे गया, ठीक है। अगर हम किसी चीज पे अरे भाई, तो सबको समझ में आना जरूरी है ना बेटा। जब तक सबको नहीं समझ में आएगा हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जब तक सबको नहीं समझ में आएगा हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं ना, ठीक है। हम तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि ये वाली चीज जो हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है फॉरफीचर का, अभी तक हमने आपको जो फॉरफीचर पढ़ाया था वो फॉरफीचर हमने आपको पढ़ाया था सारा कॉल होने के बाद, ठीक है। अभी जो ये फॉरफीचर का केस है, ये फॉरफीचर का केस तब आ रहा है जब हम कॉल के विदीन है, विदीन द कॉल है, एक कॉल नहीं मांगा है और उससे पहले ही फॉरफीचर हो गया, ठीक है। तो भाई कंपनी के स्क्रिप्ट का, कंपनी के शेयर का अभी डिक्लेयर्ड वैल्यू पर शेयर 8 ही रुपया है, ठीक है, 8 ही रुपया है। बिकॉज कंपनी ने अभी 2 रुपया पर शेयर बेटा ड्यू ही नहीं किया है। सारी एंट्री करके दिखाते हैं आपको, देखिए सारी एंट्री करके दिखाते हैं, आइए। तब शायद आपको सारी एंट्री करने के बाद ये चीज समझ में आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पहला शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट किया। शेयर अलॉटमेंट, हम अभी अमाउंट डाल रहे हैं सब में, टू शेयर कैपिटल आपने ये दूसरा शेयर कैपिटल क्रेडिट किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपने तीसरा शेयर कैपिटल क्रेडिट किया। क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक, हाँ ठीक 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 है ठीक। यहाँ अलॉटमेंट पे भी एरियर है, ठीक। फिर बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बताइए एप्लीकेशन पे कितना रुपया था? 3 रुपया ना। ठीक है, चेक करते चलिएगा। अलॉटमेंट पे भी 3 रुपया था। ठीक, देखिए बाबू, अभी तक आपने कितना शेयर कैपिटल क्रेडिट किया? हम दूसरे पेन से बता रहे हैं, 60,000। फिर कितना शेयर कैपिटल क्रेडिट किया? 60,000। यहाँ पे वैल्यू पर शेयर 3 रुपया आपने, यहाँ पे भी वैल्यू पर शेयर 3 रुपया। फिर आपने शेयर कैपिटल यहाँ पेमेंट रिसीव किया होगा, ठीक है, तो 60,000 यहाँ लिख दीजिए अलॉटमेंट को आपने वो किया, और 100 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपया नहीं मिला आपको, तो 59,700 रुपया मिला आपको। चलिए आगे बढ़िए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 20,000 × 2 40,000, यहाँ हो जाएगा 20,000 × 2 40,000, ये रहा, ठीक है, 2 रुपया और, 2 रुपया पर शेयर। तो देखिए 60,000, 60,000, 40,000, ठीक है, 60,000, 60,000, 1,20,000, 1,20,000, 40,000, 1,60,000, ठीक है, 20,000 शेयर पे आप कितना कितना कर चुके हैं? 8 रुपया, 3, 3, 6, 2, 8 रुपया आपने अभी तक अपना कैपिटल बनाया है। डिक्लेयर्ड कैपिटल अभी आपका इतना ही है। आइए ध्यान से देखिएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पे 40,000 रुपया चला गया और 39,800 आपको रिसीव हुआ, 200 आपको रिसीव नहीं हुआ, यही बात है, ठीक है। चलिए, ये दोनों अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है। 100 शेयर पे पहले 3 रुपया रिसीव नहीं हुआ और फिर 100 शेयर पे 2 रुपया रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। आइए, और इसी एंट्री के बाद यहीं पे अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी, अगर नेक्स्ट एंट्री ये होती, शेयर होती, हम होगी नहीं कह रहे हैं, शेयर कैपिटल, अगर ये एंट्री होती, हम पहले कर देते हैं सारी एंट्री फिर समझाते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 × कितना रुपया होता? 3, 3, 6, 2, 8, तो 2 रुपया ये होता, 40,000 और ये 40,000। ये अगर होती की हम बात कर रहे हैं, और फिर एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट या जो भी होता, ठीक है, यहां तक की बात होती। आइए, पैसा मिला नहीं मिला इसकी बात नहीं करते, या पैसा मिल भी गया, चलिए पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, 40,000 रुपया, 200 रुपया, 39,800। अगर ये बात होता और इसके बाद फॉरफीचर होता, यहां पे अगर फॉरफीचर होता, तो बाबू देखिए फॉरफीचर कैसे होता, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता 100 × 10। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 100 × 10 होता, बिकॉज हम 10 रुपया मांग चुके हैं हर शेयर पर, हर शेयर पर मांग चुके हैं 10, ठीक है, टू लिखते फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अपने को ना अलॉटमेंट का पैसा मिला, 3 रुपया नहीं मिला, 2 रुपया नहीं मिला, 2 रुपया नहीं मिला, 3, 2, 5, 2, 7 रुपया नहीं मिला, तो खाली एप्लीकेशन का पैसा मिला है, 100 × 3, 300 रुपया मिला है, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 700, ठीक है, ये बात होती अगर हम पूरा फाइनल कॉल ड्यू करके यहां पहुंचते, और अब अगर लिखा होता कि रीइश्यूड एट ₹8.50 पर शेयर, अगर लिखा होता, अब यहां पे अगर ऐसा लिखा होता, तो बाबू हम क्या करते? तब हम शेयर की कीमत मानते 10 रुपया, और हम बोलते कि भाई 8.5, 8.5 अगले से हमने मांगा है, और क्योंकि शेयर जो कैंसिल हुआ था, जो फॉरफीट हुआ था, वो 10 रुपए का फॉरफीट हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है? 10 रुपया, तो भाई ये रीइश्यू भी कितने पे होगा?
₹10 पे होगा। तो हम बोलते हैं कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 8.5 ₹850, तो ₹150 का अपने को लॉस लगता। हम लिखते फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 150 टू शेयर कैपिटल 100 × 10 1000, ठीक है। और फिर ये जो आपका ₹300 की कमाई थी, ₹300 में से ₹150 आपने अगले को डिस्काउंट दिया, तो ₹150 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। लास्ट की एंट्री होती फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ₹150 ट्रांसफर हो जाता। अब मेरे बाबू ये होता नॉर्मल जब फाइनल कॉल ड्यू हो जाता। अगर मेरे भाई यहां से फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुआ है, ड्यू ही नहीं हुआ है, तो भाई जब ये ड्यू नहीं हुआ है तो भाई ये शेयर कैपिटल भी तो हट गया, हट गया ना शेयर कैपिटल। तो ये जब शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट ही नहीं किया था ₹2 का पर शेयर, तो भैया जब शेयर कैपिटल डेबिट करोगे तो 10 का थोड़ी डेबिट कर दोगे, 3 × 3 = 6 = 2 = 8। अगर पर शेयर ₹8 आपने शेयर कैपिटल को डेबिट क्रेडिट किया हुआ है, तो भाई डेबिट भी जब करोगे तो फिर ये भी एंट्री नहीं होगी, इसको भी हटाओ क्योंकि पैसा मिला नहीं। तो भाई जब फॉरफीचर करोगे तो जब ₹10 मांग ही नहीं रखे थे, मांग ही ₹8 रखे थे, तो कैंसिल भी ₹8 से करोगे। ये पहले समझने की बात, ठीक है। दूसरे समझने की बात कि भैया इसमें से 3 मिल गया तो 3 नहीं मिला तो भैया ₹8 ही मांगे थे, 3 मिल गया तो 5 नहीं मिला, ठीक है भाई 5 नहीं मिला, देख लो 5 नहीं मिला, 300 यहां नहीं मिला, 200 यहां नहीं मिला, 500 नहीं मिला। तो भाई अगर कोई चीज जो ₹8 की डिक्लेयर्ड है और ₹8 से कैंसिल होने के बाद इमीडिएटली री इशू होती है, अगर इमीडिएटली री इशू नहीं होती, अगर इमीडिएटली री इशू नहीं होती, कैंसिल दिस एंट्री, अगर इमीडिएटली री इशू नहीं होती, कुछ ऐसा होता, मैं करके दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा होता, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब फाइनल कॉल को फॉरफीचर के बाद फाइनल कॉल हो जाता, ठीक है, तो तुम्हारी बात को हम एक हद तक मान भी सकते थे, तुम लोगों की बात को, कि जो तुम्हारा डाउट चल रहा था कि भाई वो ₹10 की चीज वो, बाबू अभी वो ₹10 की चीज है ही नहीं, कंपनी ने उसको 10 का किया ही नहीं है, कंपनी तो 8 के बाद ही फॉरफीचर भी कर रही है, और इमीडिएटली, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो वर्ड इंपॉर्टेंट था, इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली उसको रीइशू कर रही है, ठीक है। इमीडिएट रीइशू में जब भाई किसी चीज को आपने 800 का कैंसिल किया है किसी शेयर को, ठीक है, तो उसको 1000 का रीइशू तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमें लिख के ना दिया हो क्लियर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर तुम बोलोगे प्रैक्टिकली, तो हम बोलेंगे प्रैक्टिकली भी तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, प्रैक्टिकली जो ये 800 का कैंसिल है, और अगर इसी चीज को रीइशू मार रहे हो, तो किसी कोई चीज आके बिजनेस में गिरी है 800 की, तो उसको वापस से ₹1000 का प्रैक्टिकली कैसे डिक्लेयर करके निकालोगे, ठीक है। अगर निकालोगे तो फिर देखते हैं, अगर निकालने के लिए अगर ऐसा बोलता है तो फिर क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होंगे भाई, ये तो अगले क्वेश्चन या अगले सिचुएशन की डिमांड है ना, ठीक है। तो पहले तो हम वो समझाएं ना कि जो क्वेश्चन में चल रहा है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि चीज 800 की कैंसिल हुई है, तो भूल जाओ ना कि वो चीज कितने रुपए की थी, अभी तो अपने को पता है कि भैया वो चीज ₹8 पर शेयर की है जो कैंसिल हुई है, और एक्स्ट्रा अभी कंपनी ने ₹2 मांगा भी नहीं है, उससे पहले ही इस शेयर को कंपनी क्या कर रहा है, रीइशू कर रहा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ₹8 पे डिक्लेयर होके कैंसिल हुई है वो उठेगी भी कितने रुपए पे, ₹8 पे, अंटिल एंड अनलेस हमें ना कह दिया जाए कि वो फुल्ली पेड अप होके उठी है, तो हमारा लॉजिकल माइंड क्या बोलता है कि भाई कैंसिल ₹8 से किए थे, इसका मतलब उस पे हम लोग मांगे ₹8 थे,
और जब मांगे 8 रुपया थे और आगे कुछ नहीं मांगे हैं अभी, और कुछ 2 रुपया मांगने से पहले ही हम इसको रीइश्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका फेस वैल्यू क्या माना जाएगा? तो भाई फेस वैल्यू वही माना जाएगा जो अभी तक मांग लिया गया है। तो अभी तक क्या मांग लिया गया था पर शेयर? तो पर शेयर 8 रुपया मांग लिया गया था, क्योंकि 2 रुपया तो मांगा ही नहीं गया था। तो भाई इसकी फेस वैल्यू क्या माने? तो फेस वैल्यू हमने माना 8 रुपया। और 8 रुपए फेस वैल्यू वाली चीज को हम शेयर होल्डर से कितना मांग रहे हैं उसके हर वैल्यू पे, तो हम हर वैल्यू पे उससे 8.5 मांग रहे हैं। तो भाई इस डिक्लेयर्ड वैल्यू पे हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं बेटा, उससे हम कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? 0.50। यही हम उस टाइम से समझा रहे हैं, ठीक है। और जो आप फंसे हुए हैं, आप लोग फंसे हुए हैं कि भाई वो शेयर 10 रुपए का था। मेरे जान, वो शेयर 10 रुपए का तब होता जब कंपनी 10 रुपया मांग लेती, ठीक है। कंपनी फॉरफीचर करने के और रीइश्यू करने के समय तक 10 रुपया मांगी ही नहीं हुई है भाई। कंपनी ने तो 2 रुपया अभी भी रिजर्व करके रखा हुआ है, तो हम कैसे इस शेयर को 10 का मान लें, ठीक है। अब फिर आपकी बात आई कि सर जब हम इसको रीइश्यू करने के बाद, अब शब्द को पकड़ो, आप लोग शब्द नहीं पकड़ते हो, ठीक है। हमने कहा रीइश्यू हो गया, तो भाई जो क्लास ऑफ शेयर रीइश्यू हो गया वो फिर से थोड़ी ना इशू होगा, और फिर से थोड़ी ना उसमें शेयर कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। जब हम इसको अलग से फॉरफिट किए और अलग से रीइश्यू कर दिए, तो बेटा ये तो उस बंच से बाहर चला गया ना, 20,000 के बंच से ये क्या हो गया? इसका ट्रीटमेंट ही अलग हो गया, बिकॉज ये स्पेशल केयर यूनिट में चला गया, आईसीयू में चला गया, ठीक है। ये आईसीयू में गया फॉरफीचर करने के टाइम, और अभी आईसीयू से निकल के सीधे चला गया शेयर होल्डर के हाथ में। तो भाई ये 20,000 के बंच में अब बाकी थोड़े ही ना है, इस पे तो जो घटना घटित होनी थी वो घटना घटित हो गई मेरे भाई, ठीक है। और अब मेरे पास बंच में कितना शेयर बचा हुआ है? तो भाई 20,000 लेस दैट इज रीइश्यूड 100, वी आर लेफ्ट विथ 19,900 शेयर्स, ठीक है। और भाई 19,900 शेयर्स पे अगर आपको आगे इंस्ट्रक्ट करेगा तो सेकंड कॉल कर लो, सेकंड कॉल रिसीव कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। तो यही बाइफर्केशन तो समझा रहे हैं ना आपको कि भाई इस 100 शेयर को अब गोली मारो, क्योंकि ये 100 शेयर का क्लास बदल गया। ये 100 शेयर कंपनी नेक्स्ट कॉल करने से पहले फॉरफीट करके रीइश्यू कर दी, तो भाई भूल जाओ उस 100 शेयर्स को, बिकॉज द क्लास ऑफ दैट शेयर हैज चेंज्ड ऑलरेडी। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट 100 शेयर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग टू द अदर बंच ऑफ 19,900 शेयर्स, ठीक है। तो अब बचा हुआ 19,900 को ट्रीटमेंट करेंगे जैसे करना होगा। और एक और बात क्या थी कि भाई ये जो 100 शेयर्स हमारा फॉरफिट हुआ, इस पे जो हमने सामने वाले जो पुराने शेयर होल्डर्स का 3 रुपया पर शेयर 300 रुपया जो हमने जब्त करके रखा, उसको रीइश्यू के टाइम हमें यूज नहीं करना पड़ा, बिकॉज रीइश्यू पे प्रैक्टिकली हमें और एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला 50 पैसे का। तो भाई ये पैसा जो 300 था, ये 300 वैसे ही का वैसे पड़ा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो 300 रुपए था अब आगे यूटिलाइज नहीं होगा। ये यूटिलाइज क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जिस पर का जब्त पैसा था वो ऑलरेडी उतने शेयर्स प्रीमियम पर रीइश्यू हो चुके हैं,
तो जब वो प्रीमियम पर री इश्यू हो चुके हैं, वहां से एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है, तो इस 300 शेयर पे सॉरी इस 300 रुपए का अब कोई काम बचता ही नहीं है, क्योंकि काम तो हम रखते क्यों थे, हम इस पैसे को, हम इस पैसे को इसलिए रखते थे कि हम इसमें से डिस्काउंट दे पाए अगर हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो भाई अब तो हमने रीइश्यू भी कर दिया और रीइश्यू पे हमें डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ा, तो भाई ये 300 रुपया अब बेकामिल है, किसी काम का नहीं है, तो ये अब मेरा डायरेक्टली कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यही पूरी घटना थी। अब आप कहां फंस गए थे, हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसको दो सेक्टर्स में बाइसेक्ट करके बद काम कीजिए, बिकॉज आपको इवेंट के साथ चलना पड़ेगा भाई साहब। आप इवेंट से आगे मुड़ के और आगे बढ़ के लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेने लगिएगा तो भाई हम इसमें आपका सहायता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लॉजिकली तो हम भी इसमें 1000 सवाल पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन आप अगर लॉ के हिसाब से लॉ और लॉजिक को मिलाइएगा, ठीक है, तो सब गुरगोबर हो जाएगा, इस बात को समझिए, ठीक है। ये यहां लॉजिक बाद में आता है, लॉ पहले आता है, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग होती है, ठीक है। ये अकाउंटिंग द प्राइमरी फोकस हियर इज टू कंप्लाई विथ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो भाई यहां पे हो सकता है कुछ चीजें लॉजिकली कुछ और कहती हो, ठीक है, लेकिन उसको लॉ के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। और यही वजह है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम दो चीज पे बहुत ध्यान दिलवा दिए थे, पहला कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट होगा और दूसरा कि इमीडिएट रीइश्यू होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम उठाए भी थे डिस्कशन में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पैरेलली निकल जाती हैं, आदमी को समझ में ही नहीं आता। हाँ ठीक है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे खींच दीजिए, ठीक है, इसको हम फॉर्मेट पे भी खिंचवा सकते हैं, फॉर्मेट पे भी बेटा खिंचवा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट पे खिंचवाएंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि आपका किसी लॉजिक का सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई लॉजिक का सॉल्यूशन नहीं आएगा, खाली फॉर्मेट पे खिंचाएगा बस। अगर अभी भी आपको इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप घबराइए नहीं, आप पूछ लीजिए, ठीक है, हम अभी भी इस पे कुछ और एक्सप्लेन करने को रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे टाइम होगा तो जरूर पढ़ाएंगे, टाइम खत्म हो गया होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, 15 मिनट बचता है, 10 मिनट, ठीक है, देखते हैं कोई एक और क्वेश्चन डिस्कस करके तब छोड़ेंगे। भाई ये पहले इसको तो क्लियर करें कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया, आगे की तो बात बाद में आती है। समझ में आ गया सबको? हाँ, घबराने का बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर बताएंगे। ठीक है, चले आगे। 10 ही लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं, बाकी सब लोग निकल गए क्लास, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बताइएगा हमको कि ठीक है आप वो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का मैंने भेजा है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगर बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, आप ये जरूर कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है अभी, इस क्वेश्चन को आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और इस इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर,
अभी एक के ऊपर में तो इतना तमाशा हो रहा है, कह रहे हैं बिहारी बाबू अभी एक का फोर फीचर में तो इतना दिक्कत हो रहा है, चार के फोर फीचर को अभी अगर बताएंगे तो